सो ये लास्ट पार्ट है हमारे थर्ड एपिसोड का। इसमें हमने साउथ अफ्रीकन टीम के बारे में बात करी है, कोल पैक डील, कोटा सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स हमने टच किए हैं इस पॉडकास्ट में। सो चलो देखते हैं हमारा डिस्कशन क्या था। तो अब साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं, जो सबसे रीसेंट टीम है ट्रांजिशन जो फेस कर रही है। तो एक टाइम पे यार मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट टीम थी जब वो ओवरसीज टूर पर जाते थे। उसके जैसी टीम मुझे नहीं लगता कोई थी जो ओवरसीज जाके इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती थी। बट अगर हम लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप देखो तो पूरा अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देता है कि कितना ज्यादा डिप आया उनकी परफॉर्मेंस में। तो क्या लगता है तुम्हें यार कि प्रॉब्लम्स क्या रही है पिछले कुछ 2-3 सालों में साउथ अफ्रीका के साथ? देखो यार, काफी टीम्स की तरह साउथ अफ्रीका का भी मुझे मेन प्रॉब्लम यही लगती है कि जो उनके जो पुराने प्लेयर्स थे, चाहे ग्रेम स्मिथ हो या कैलिस हो या हाशिम आमला, एबी डिविलियर्स, जब से उनके रिटायर हुआ है, जब से वो रिटायर हुए हैं और उनको जरूरत थी कि जो यंग प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा आगे आए और वो उनकी कर्टिसी को आगे लेके जाएं और टीम को संभालें, तो ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका के पास बिल्कुल ही कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं आए थे। कुछ प्लेयर्स थे, चाहे वो क्विंटन डिकॉक हो या फाफ डु हाँ प्लेसिस हो, काफी ऐसे अच्छे प्लेयर्स आए थे जो उन्होंने कोशिश की, बट वो लीडरशिप, पहली बात तो मुझे सबसे बड़ा रीजन लगता है कि फाफ डु प्लेसिस के अंडर वो लीडरशिप मुझे दिखती नहीं है। जो फाफ डु प्लेसिस की कैप्टनसी रही है वो उतनी प्रॉमिसिंग नहीं रही है, हाँ क्योंकि जब से एपी डिविलियर्स ने रिटायरमेंट लिया है तब से फाफ डु प्लेसिस ही उनके जो नेक्स्ट कैप्टन के रूप में आए थे सामने, और तब से उन्होंने कैप्टनसी की है। बट उनकी कैप्टनसी के अंदर मुझे उतना उन्होंने विश्वास नहीं दिलाया कि वो अच्छे कैप्टन हैं। उन्होंने काफी अच्छी संभाला है टीम को, कोशिश करी है, बट मुझे नहीं लगता कि जो एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि टीम को एक रखने की, वो मुझे नहीं दिख रहा हाँ उनकी मतलब वो उस कैप्टनसी टाइप में। के कैप्टन नहीं कि एक एवरेज टीम से भी रिजल्ट्स निकलवा पाए। टीम प्लेयर्स अच्छे हाँ होंगे तो हो सकता है वो अच्छा अच्छा कैप्टन की तरह परफॉर्म करें, वो अलग बात है। मगर अभी इसकी सिचुएशन में जैसे कि हमने देखा कि अब क्विंटन डिकॉक को दे दी गई है कैप्टनसी T20 फॉर्मेट वगैरह में, हाँ तो हाँ हाँ इससे मतलब एबी डिविलियर्स के रिटायरमेंट का कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ये बताओ। एबी डिविलियर्स के रिटायरमेंट का तो काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि मुझे एक सीरीज याद आती है जब इंडिया साउथ अफ्रीका टूर करने गई थी। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट उस सीरीज में आपको याद होगा तो इंडिया ने वो सीरीज आई गेस ड्रॉ हुई थी, और मतलब साउथ अफ्रीका को काफी डोमिनेट किया था उस सीरीज में सीरीज की इंडिया बात ने कर रहे हैं उनके हम। काफी। सीरीज की बात कर हाँ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ टेस्ट हाँ सीरीज। समझ गए। तो उस सीरीज में सिर्फ एक डिविलियर्स थे जो टीम को ऐसी सिचुएशन से संभालते थे, और उन्होंने काफी रन बनाए थे उस हाँ सीरीज में, हाँ हाँ और काफी ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे विकेट गिर जाते थे शुरू में और उसके बाद संभाला था टीम को। तो वो सीरीज पूरी मैं कहूंगा कि डिविलियर्स ने अपने दम पे अकेले लेके चले थे। बट उसके बाद से जब से डिविलियर्स ने रिटायरमेंट लिया है, तो मैंने काफी सीरीज हुई है साउथ अफ्रीका की, उतना वो बैटिंग में लूज कर देते हैं। उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, अभी भी कोई डाउट नहीं है। रबाडा हो हाँ गए, एनगीडी हो गए, उनकी हाँ बॉलिंग यूनिट अभी भी बहुत अच्छी है। बट क्योंकि वो भले ही आप कितनी भी अच्छी बॉलिंग करें, बट कोई भी एक अच्छी टीम होगी तो वो 250-300 रन बना ही लेती है, कोई भी पिच हो। बट अगर आपकी बैटिंग उतने रन नहीं बना पाती है तो फोर्थ इनिंग्स में आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो वो साउथ अफ्रीका के पास हुआ है। डिविलियर्स के जाने के बाद से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं हुआ है कि जो खड़े होके रन बना सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही ले मुझे सके। लगता है जब से एबीडी रिटायर हुए तो फाफ डुप्लेसी और क्विंटन डिकॉक के ऊपर कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है बैटिंग डिपार्टमेंट में, तो वो हाँ, और उतना फाफ डु प्लेसिस भी, फाफ डु प्लेसिस का भी मुझे लगता है कि जैसे बाकी जो कैप्टन हैं, आप अपने कैप्टन से उम्मीद करते हैं कि वो रन बनाएं और लीड करें फ्रंट से। फाफ डु प्लेसिस का डिप भी फॉर्म में उनकी देखने को मिला है, क्योंकि एक कैप्टन होता है, आप तो उनसे उम्मीद करते हैं कि आपका कैप्टन फ्रंट से लीड करे और रन बनाए, बट फाफ डु प्लेसिस ने बहुत टाइम से कोई ऐसी मैच विनिंग नॉक नहीं खेला है। वर्ल्ड कप में भी मुझे नहीं याद उन्होंने कोई ऐसी सेंचुरी लगाई होगी या बड़ी सेंचुरी जिससे टीम उनकी जीतने की सिचुएशन में आई होगी। तो मुझे लगता है उनके जो कैप्टन का फेलियर रहा है इतने टाइम से, वो काफी एक बड़ा रीजन रहा है कि वो अपनी टीम को एक नहीं रख पाए हैं। हाँ। तो यार जो ये डिप देखा है हमने पूरी साउथ अफ्रीकन टीम के परफॉर्मेंस में, उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीजन जो मुझे लगता है वो उनका वो है कोल पैक डील जो उनकी साउथ अफ्रीका में चलती है। तो मैं पहले समझा देता हूँ क्या है कोल पैक डील। तो काउंटी क्रिकेट में क्या होता है कि ओनली वन ओवरसीज प्लेयर इज अलाउड, एक क्लब में सिर्फ एक ओवरसीज प्लेयर खेल सकता है। तो कोल पैक डील क्या अलाउ करती है कि तुम जैसे साउथ अफ्रीका से गए काउंटी क्रिकेट खेलने इंग्लैंड में, मगर फिर तुम वहां ओवरसीज प्लेयर की तरह नहीं खेलोगे, लोकल प्लेयर की तरह ही खेलोगे अगर तुमने कोलपैक डील साइन कर ली है। मगर इसमें एक शर्त होती है कि तुम अब एक अपने
जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो, जैसे 2 या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुम 2 या 3 साल अपनी नेशनल टीम के लिए नहीं खेल सकते हो। तो वही इस डील को कई प्लेयर साइन करते आ रहे हैं, क्योंकि अगेन वही इंग्लिश क्रिकेट में बहुत ज्यादा पैसा है इन कंपैरिजन टू साउथ हाँ अफ्रीकन। तो हमने देखा कई सारे साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स अभी रिसेंटली शिफ्ट होते जा रहे हैं इंग्लैंड में। जैसे हो गया काइल एबिट, उनका काफी अच्छा फास्ट बॉलर था। डेविड वीजा को हमने आईपीएल में देखा था, वो भी अब शिफ्ट हो गए। कॉलिन इंग्राम, मॉर्ने मॉर्कल, तो ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड शिफ्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा रीजन लगता है मेरे को कि अब साउथ अफ्रीकन टीम में हमें टैलेंट की कमी दिखने लगी, जो कि हमें कभी नहीं दिखता था 6 साल पहले अगर देखें तो। हाँ, ये तो काफ़ी बड़ा रीज़न है, क्योंकि अगर आप बात करें कॉलिन इंग्राम, और मैं एक और नाम जोड़ना चाहूँगा, राइली रोसो, हाँ, ये काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हर लीग में जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने, इवन 2015 चाहे वो वर्ल्ड कप बीसीसीआई में भी हो। राइली रूसो अच्छा खेले थे शायद। हाँ, बट उसके बाद फिर वो टीम से चले गए थे, उसके बाद उन्हें देखा ही नहीं गया टीम में। तो ये तो काफ़ी बड़ा रीज़न रहा है कि उनका जो मोस्ट ऑफ द टैलेंट है, जो कि आगे चल के टीम में स्टेबल हो सकता था और अच्छा परफॉर्म कर सकता था, वो इंग्लैंड जाके उन्हें प्रेफर करा खेलना। हाँ तो यार कोल पैक डील साइन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है कि वो कोटा सिस्टम जो चलता है साउथ अफ्रीका में, कि हाँ आपको प्लेइंग 11 में 6 नॉन व्हाइट प्लेयर होने चाहिए और उन 6 में से 2 ब्लैक अफ्रीकन होने चाहिए। फिर वही है हाँ कि बहुत सारे जो व्हाइट प्लेयर्स हैं वो कोलपैक डील को साइन करना ज्यादा प्रिफर करते हैं कि इंग्लैंड चले जाओ, काउंटी क्रिकेट खेल लो। और इवेंचुअली हमने हाँ देखा ये है जैसे सबसे बड़ा, कि बहुत सारे प्लेयर्स काउंटी खेलते खेलते इवेंचुअली इंग्लैंड की नेशनल साइड के साथ खेलने लगते हैं, जैसे केविन हो गया। वही हाँ, ये एक और सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि मुझे याद है एक ऐसा प्लेयर, क्योंकि जब टेस्ट में जब डिविलियर्स ऑलमोस्ट रिटायर होने वाले थे, तो नंबर 4 या 5 के लिए जो नाम सजेस्ट हुआ वो टेम्बा बवुमा का हुआ, हाँ जबकि उनके अलावा भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स टीम में थे, चाहे वो रैली रूसो हो या कॉलिन इंग्राम हो, तो उनको टीम में लाया जा सकता था। बट क्योंकि इस डील की वजह से, जो उनका जो सिस्टम है उसकी वजह से, टेम्बा बवुमा को पहले मौका दिया गया, और मुझे बिल्कुल कोई ऐसी परफॉर्मेंस टेम्बा बवुमा की याद नहीं है जो उन्होंने बहुत अच्छी कोई परफॉर्मेंस दी हो किसी मुश्किल कंडीशंस में। तो उनके साथ काफ़ी इश्यूज रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें उनको टैलेंट नहीं मिल पा रहा है, या ये उनके खुद के सिस्टम की गलती है, उसी की वजह से आज वो इस हालत में है। हाँ तो बस एक अच्छी न्यूज है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए कि 2020 के एंड में कोलपैक डील स्क्रैप होने वाली है, तो हाँ वो जो कोलपैक से जो फायदा मिलता था क्रिकेटर्स को वो अब नहीं मिलने वाला है। तो काउंटी टीम्स भी कोलपैक को मतलब एक्सेप्ट करना बंद कर देंगी कि तुम लोकल प्लेयर की तरह अब नहीं खेल सकते हो। तो अगेन वापस से शायद मेरे हिसाब से नेशनल टीम के तरफ से खेलना प्रेफर करेंगे सारे प्लेयर्स। तो बस एक ये अच्छी न्यूज है कि शायद हमें 2021-22 तक वापस एक साउथ अफ्रीकन टीम दिख पाए अच्छी। हाँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखिए जो करंट वर्ल्ड क्रिकेट है, उसमें चाहे वर्ल्ड कप हो या कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, आप चाहते हैं कि थोड़ा कंपटीशन देखने को मिले, एटलीस्ट 7 या 8 ऐसी टीम्स हों जो अच्छा खेलें। बट अभी टॉप 4 टीम्स आप अगर गिने, तो इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी टीम जिसको स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स माना जाता है किसी भी टूर्नामेंट से पहले। तो साउथ अफ्रीका जैसी टीम, जो कि हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग टीम मानी गई है, हर जगह अच्छा परफॉर्म करते थे, बट उनकी भी फॉर्म में ऐसे डिप देखने को मिला, तो जो कंपटीशन है इंटरनेशनल लेवल पे वो काफ़ी कम होते जा रहा है, और हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी नेशंस की मदद करें, या उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाएं, कि एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आए उनमें कि हमें कंपटीशन देखने को मिले। कोई टीम अगर वर्ल्ड कप में जाती है, तो एटलीस्ट अपना 100% तो दे। आप वही देखना चाहते हैं लोग इतने बड़े लेवल पे। हाँ क्योंकि वही यार साउथ अफ्रीकन टीम की ऑल्दो काफी लोग बोलते हैं कि वो आईसीसी टूर्नामेंट तो अच्छा नहीं खेलते, मगर मुझे लगता है लीग हाँ मैचेस में आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी काफी अच्छा परफॉर्म करती थी ये टीम। क्योंकि मुझे लगता है जब भी हाँ इंडिया वो का अब मैच साउथ अफ्रीका से होना होता था मुझे थोड़ा डर लगता था कि ये लोग हरा देंगे। इवन हाँ 2011 हाँ वर्ल्ड कप में जो एकलौता मैच इंडिया हारी थी वो साउथ अफ्रीका से हारी थी। तो हाँ हाँ बिल्कुल वही है हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। साउथ अफ्रीका की टीम भले ही वो उनका रहा है थोड़ा सा कि नॉकआउट्स में जाके चो कर देते हैं, बट पूरी लीग स्टेज में कोई भी वर्ल्ड कप हो, उन्होंने हमेशा अच्छा परफॉर्म करा है, हर लीग स्टेज में, हर वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है। और अभी काफ़ी इतना टाइम हो गया है कि अभी लगता नहीं है किसी को कि साउथ अफ्रीका से मैच है, तो थोड़ा कम्पिटिटिव होने की उम्मीद है। सब थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं कि हाँ साउथ अफ्रीका भी हो, साउथ भाई, अफ्रीका लास्ट नहीं। वर्ल्ड कप में शायद वो शुरू के सारे मैच हार गए थे 5 के 5। हाँ, वही तो ये रहा है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी ये कॉलपैक डील खत्म होने के बाद, और क्योंकि अभी जो रिसेंट इनकी सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, तो क्विंटन डिकॉक को बनाया गया लिमिटेड ओवर्स का कैप्टन, हाँ और 3 ODIs थे जो जीते हैं इन लोगों ने, 3-0 से वो सीरीज जीती है ODI की। हाँ तो
मुझे लगता है और कि अब जो थोड़ा सा सच चेंजेस को आए। उन्होंने डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया वो भी काफी अच्छा डिसीजन मुझे लगता है, हाँ क्योंकि उन्होंने हाँ अभी ये भी बोला है कि जो लोग अब जो प्लेयर्स अभी कॉलपैक डील के अंडर साइंड है, जब कॉलपैक डील खत्म हो जाएगी तो हम उन्हें वापस बुलाने के लिए वेलकम करते हैं नेशनल साइड में, तो हो सकता है हमें कॉलिन इंग्रम और राइली रूसो वापस दिखे साउथ अफ्रीकन टीम में। हाँ बिल्कुल, एक ये अच्छा इनिशिएटिव हम मानेंगे, क्योंकि ज़रूरत है साउथ अफ्रीका को थोड़े अपने एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स की, जो आके टीम में थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं टीम का, और जो नए प्लेयर्स हैं उनके मोस्ट साथ इम्पोर्टेंटली खेलें। ऐसे प्लेयर चाहिए जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सके, क्योंकि मतलब हाँ ऑब्वियस, परफॉर्मेंसेस हमने देखे हैं मैं उनके थोड़े बहुत, कई प्लेयर्स ने दिए हैं, मगर ऐसे नहीं चलेगा कि एक दो मैच में परफॉर्म किया फिर एक दो मैच में सीरीज से ही बाहर निकाल दिए गए। तो वही हाँ बिल्कुल वही इशू है ना, कि उनका जितने भी प्लेयर्स हैं वो एक या दो मैच में पर प्लेयर उनके परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर मैच में आप उम्मीद करें कि उनका पूरा जो टॉप ऑर्डर है या पूरा मिडिल ऑर्डर चलेगा। मोस्टली देखा गया है कि क्विंटन डिकॉक और डुप्लेसिस भी काफी पहले की, अगर करना तो डुप्लेसिस भी अब कोई उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं करता है, सिर्फ क्विंटन डिकॉक है जिनसे उम्मीद रहती है कि हर मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी तो वेंडर डसन की बात करें या हाँ, तो फिर कोई भी वही है उतना कि इम्पैक्टफुल प्लेयर। कोलपैक, हाँ, कोलपैक जब खत्म होगी तभी हम देख सकते हैं कुछ अच्छा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में, और कैप्टेंसी पे थोड़ा फोकस करना चाहिए उनको। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में डुप्लेसिस को रहने देना चाहिए कैप्टन, क्योंकि मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में वो काफ़ी एक अच्छे कैप्टन हैं, और लिमिटेड ओवर्स में मुझे लगता है जो क्विंटन डिकॉक को कैप्टन बनाने का जो डिसीजन है वो काफ़ी सही है, और अभी उन्हीं को कैप्टन रहना चाहिए। बट यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मैं चाहूंगा कि जो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जैसे हमने श्रीलंका के साथ भी देखा, जब एक कैप्टन को कैप्टनसी से हटाया जाता है तो उसको टीम से भी हटा दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि डुप्लेसिस को टीम में रखा जाए, क्योंकि वही वही एक्सपीरियंस प्लेयर का टीम में रहना बहुत ज़रूरी है। आप उम्मीद करते हैं कि आपके जो एक्सपीरियंस प्लेयर जब रिटायर हो उसके बाद नए प्लेयर्स रेडी हो टीम को कंट्रोल लेने के लिए, उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके जो नए प्लेयर्स हैं वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, उनके साथ खेलें। हाँ तो मुझे उम्मीद है कि वो टीम से नहीं निकालेंगे। टेस्ट में डुप्लेसिस को कैप्टन रहने दिया जाए, और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी डुप्लेसिस को रखा जाए टीम में, वो काफ़ी, उनके रहने से काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा टीम में। हाँ वो तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, निकालना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ बिल्कुल थोड़े नहीं चाहिए। इंटेलिजेंट लोग अभी ऐड करते जा रहे हैं वो लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे ग्रीम स्मिथ हो गए, मार्क बाउचर को कोच बना दिया है, तो वही तो फिर बस नहीं बाकी तो, इतने। हाँ बस बाकी तो ठीक है, उनका फास्ट बॉलिंग जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ठीक है, क्योंकि रबाडा और एनकीडी काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं, और स्पिन डिपार्टमेंट में भी हम देखें तो टेस्ट में महाराज हो या ओडीआई में शमसी हो, तो उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट काफ़ी ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट इशू जो है मेन जो बैटिंग में है उसे सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है सर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड में हमें किस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए वो आप नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हो।